क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप। सरकार मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन ये सब। सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए विवश के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने, महंगाई इसी के सामने, बेरोजगारी इसी से, अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कहती, और वो भी बीजेपी लगाई उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देश वासियों को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंकू नर्सिंग होम का, मैं समस्त सिल्ली वासियों को और समस्त देश वासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग शांतिपूर्वक नव वर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंजू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जोहार, मैं वाहिद अली, बिरसा मुंडा उर्सू अकेडमी के कोच, मैं सिल्लीवासी, झारखंडवासी और देशवासियों को नौ वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नौ वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।